हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितनी ही सुंदर सी ये लाइट बनाई हैं। इनको आज मैंने पानी से बनाया है। आपको यकीन नहीं होगा, इन लाइट को आप पानी से बना सकते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, इसमें जो अंधेरे का व्यू है वो कितना ही सुंदर आ रहा है और बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये लाइट। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखिए कितना ही अच्छा सा यहाँ पर माहौल हो गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई फेस्टिवल आ गया है। तो आप दीपावली पर इन लाइट को बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं ये लाइट। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्लोरिंग लाइट, फ्लोरिंग दिया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांच के बाउल्स लिए हैं और ये मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है। कुछ मैंने यहाँ पर ग्लासेस लिए हैं। आप इस तरह से किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे उसे देख लेते हैं। तो इन बर्तनों को साइड से कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉटन, तो इससे हम बातियाँ बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा कॉटन लेकर बाती बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कॉटन लेंगे और उसे हम हथेलियों के बीच में रखेंगे और इस तरह से हम बाती बना लेंगे। तो इसी तरह से जितनी भी हमें दिए बनाने हैं उतनी हम बना लेते हैं। आज आपको यकीन नहीं होगा कि हम पानी से किस तरह से दिए बना सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है और इससे घर इतना अच्छे से डेकोरेट होता है। दीपावली आ रही है तो आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर किसी ओकेजन के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बातियाँ बना ली हैं, तो इनको साइड से कर देंगे। अब हम कोई भी प्लास्टिक लेंगे, थोड़ी हार्ड वाली होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो पैंट शर्ट आते हैं उसमें कवर में उसका ऊपर का पोर्शन ले लिया है। तो आप इसे सर्कल में या फिर चौकोर में किसी में भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सर्कल में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक सर्कल पीस कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर बाती डालने के लिए एक होल बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक होल बना लिया है। इसी तरह की हमें जितनी भी लाइट बनानी है उतने सर्कल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ बना लिए हैं। अब हम अपनी जो बातियाँ हैं उनको लेंगे और इनके अंदर से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बातियों को हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से हम सभी बातियों को इसके अंदर से डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी बातियों को तैयार कर लिया है। अब हम इनको साइड से कर देंगे। और अब मैंने इस लाइट को बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरह से कोई बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे पानी। जितनी भी हमें लाइट बनानी है उसी हिसाब से हम इनमें पानी डाल लेंगे, जितने भी बर्तनों में हमें बनाना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनमें पानी भर लिया है और पूरा ऊपर ऊपर तक पानी भरा है इसमें। ये देखिए, पूरा ऊपर तक पानी भरा है। इसी तरह से हमें इनमें पानी भरना है। तो अब हम लेंगे ऑयल और इस पर हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल ऊपर अपने आप तैर कर आ जाएगा पानी में डालने से। तो अब हम इसमें एक लेयर से ऊपर पानी तक इसमें ऑयल डालेंगे, जिससे एक लेयर बन जाए इसमें अच्छी सी। तो ये देखिए, यहाँ पर एक लेयर इसमें बन चुकी है। तो इसी तरह से हम सभी बर्तनों में ये ऑयल डाल देंगे। तो ये देखिए, कितना ही थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला है और इससे हमारी बहुत ही अच्छी सी लाइट बनकर तैयार होगी। आप जो भी ऑयल खाते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऑयल हो उसका यूज कर सकते हैं, जो भी आप घर में यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पर ली है ये जो बातियाँ बना के रखी हैं उसे, तो इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे इसे। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन सभी को रख लिया है। तो अब हम इनको जलाएंगे।
तो पानी में आपने कभी लाइट नहीं जलाई होगी और ये देखिए कितने ही आसानी से जल रही है। तो ये देखिए ये लाइट कितने ही आसानी से जल रही हैं दोनों। अब हम इनको डेकोरेट करेंगे, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं, जितना हमने इसमें ऑयल डाला है उतनी देर तक ये बातियाँ जलती रहेंगी, यानी कि जो लाइट बनाई हमने फ्लोरिंग लाइट वो उतनी देर तक जलती रहेगी और बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से बनाना। तो यहाँ पर कुछ में मैंने फ्लावर्स डाल दिए हैं, तो आपके पास फ्लावर्स हों तो आप उनको डाल लें, नहीं तो इस तरह से ग्लिटर लाकर डाल लें। इनमें आप कोई भी कलर भी डाल सकती हैं ग्लिटर की जगह पर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारी लाइट बनाकर तैयार कर ली हैं। एक बाउल में मैंने और पानी डालकर इसमें कुछ फ्लावर्स डाल दिए हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए लाइट भी काफ़ी अच्छे से जल रही है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये लाइट जल रही हैं। और इसी तरह से जब तक ऑयल नहीं ख़त्म हो जाएगा जब तक ये लाइट इसी तरह से जलती रहेंगी। आप इसी तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और ये दीपावली के लिए तो सबसे बेस्ट है फ्लोरिंग लाइट बनाना। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये देखिए लाइट कितनी ही सुंदर लग रही हैं अंधेरे में, इस तरह से अगर आप कहीं भी अंधेरा हो और ये लाइट जल रही हो तो ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये लाइट। तो ये देखिए आप इन लाइट को इस तरह से भी सजा सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। मैंने यहाँ पर इन लाइट के ऊपर यहाँ पर जो डिया लाइट बनाई है वो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स के ऊपर इस बाउल को रख दिया है और एक बाउल को मैंने प्लेट के ऊपर रखा है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये लाइट भी काफ़ी अच्छे से जल रही है। तो ये देखिए इसे हमने इस तरह से सजाया है कि यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं और यहाँ पर मैंने लाइट रख दी है, एक तरफ मैंने बाउल रख दिया है उसमें फ्लावर्स डाल दिए हैं पानी डालकर, और यहाँ पर मैंने ये रोज़ वाले फ्लावर्स रख दिए हैं और मैंने यहाँ पर लाइट रख दी है जो मैंने बनाई है। इस तरीके से भी आप इसे सजा सकते हैं, ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। या फिर आप किसी भी बाउल में पानी डालकर और फ्लावर्स डालकर इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से भी रख सकते हैं, ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इस तरह से रोज़ फ्लावर्स डाल सकते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, इस तरह से भी आप सजा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी डेकोरेट प्लेट्स हो उसके ऊपर आप इस फ्लावर्स को, यानी कि जो हमने बाउल लिया है उसे रख सकते हैं। ये देखिए इससे तो इसका इसमें चार चांद लग गए हैं इस तरह की प्लेट्स पर रखकर। इस तरीके से भी आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए इसका अंधेरे का जो व्यू है वो किस तरीके का आएगा, ये देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये व्यू। या फिर आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं इनको, ये देखिए ये आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सी लग रही है ये लाइट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।